So, this is the second lecture. अप्रैल चालू हो गया है और गर्मी भी इस बार बहुत ही तेजी से पड़ रही है. तो अपन ने जो वक्त चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अपने सुनने वालों के बेनिफिट के लिए ये लेक्चर्स अपन ने चालू किए हैं. बीट द हीट विथ होम्योपैथी, इस गर्मी का हम कैसे सामना करें हमारी होम्योपैथिक रेमेडीज के द्वारा. तो जब पिछली बार जब मैंने ये लेक्चर चालू किया था तो मैंने सबसे एक अहम बात बताई थी शुरुआत में, इसलिए जो लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है सुना है उसको सुन लें, क्योंकि उसमें एक अहम बात मैंने बताई थी कि आप जब मेडिसिंस को देखें तो आपकी मेंटल स्टेट कैसी होनी चाहिए जब आप मेडिसिंस को देखें. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम काली बाइक्रोम के बारे में डिस्कशन हुआ था लास्ट लेक्चर में, उसमें एक बताया गया था कि रूमेटिक कंप्लेंट्स भी अगर हॉट वेदर में हों या उठ रही हों तो यू कैन थिंक अबाउट काली बाइक्रोम. बट सी, कई तरीके हैं इंसान को आराम पहुंचाने के. जब आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते हैं, जब आप सही तरीके से कोशिश करते हैं, तब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है आप पे और आपकी नजर साफ होने लग जाती है और आपको वही चीजें नजर आती हैं जो नजर आनी चाहिए, क्योंकि आपकी माइंड की ट्रेनिंग ही वैसी हुई रहती है. आपको फिर उस चीज के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है. मतलब वो एक स्पॉन्टेनियस, दूसरे भले आश्चर्यचकित हो जाए यार कैसे इस चीज पे ध्यान दे दिया और कैसे सिलेक्ट कर लिया, बट वो आपके लिए एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाती है अगर आप एक्सक्यूजेस ना ढूंढते हुए सही तरीके से उसको बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं और जब असफलताएं आती हैं तो उनसे सीखते हुए आगे बढ़ जाते हैं, पीछे नहीं हटते हैं. परसीवरेंस अपना बनाए रखते हैं. सो देखो, प्रेजुडिसेस बड़े जबरदस्त आते हैं. अब अपनी क्लास में डॉक्टर सहबा सुन के गई लेक्चर, दूसरे दिन ही पेशेंट आया, ऊपर वाला तुरंत टेस्ट लेता है. बता रहा हूं मैं, अगर आप लोग सेंसिटिव हो तो ये फील करोगे आप अपने डेली लाइफ में. अगर आप कुछ इस तरह की चीज करते हो तो आपके सामने फिर चुनौतियां आती हैं, जिससे आपको फिर ये पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं. ठीक, तो हमारे, मैं बताने का अर्थ ये नहीं है कि किसने गलत किया किसने सही किया, बट हमारे मन में कितनी जल्दी प्रेजुडिस सवार रहता है. और तो मेरे पास, मुझसे कंसल्ट करने के लिए इन्हें पेशेंट किया, वो लेके आई थी प्रॉब्लम्स, चेस्ट रूमेटिज्म से संबंधित प्रॉब्लम थी उसको. छाती में बहुत दर्द हो रहा था, दुनिया भर के सेंसेशंस बता रही थी, झुकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है. ठीक है, नेचुरल सी बात है, माइंड की जितनी ट्रेनिंग हुई है माइंड उतना ही देख सकता है. डॉक्टर सहबान को लगा कि भाई हमने सुना कि काली बाइक्रोम रूमेटिक प्रॉब्लम अगर हॉट वेदर में हो तो अपन दे सकते हैं. ठीक, लेकिन जब मुझे सिम्टम बताया तो मेरे दिमाग में काली बाइक्रोम आई ही नहीं. और देखो, मैं ये तरीका बता रहा हूं, आप सेंसेशंस के थ्रू जाएं, आप प्रिडिक्टिव के थ्रू जाएं, आप कोई भी अप्रोच के थ्रू जाएं, बट मैं बता रहा हूं कि आप अगर यूज करेंगे तो ये अप्रोच से सिंपल कुछ भी नहीं, कोई अप्रोच नहीं मेरे को पता चली है. और सी, मैंने डॉक्टर सहबा को बोला कि एक काम करो, उसको रेनिकुलस बल्बोसस 30 दे दो. कितने डोज दिए गए थे? 3 डोज, आई थिंक 6 डोजेस, टीडीएस आज और टीडीएस कल. और रेनिकुलस बल्बोसस के बारे में जब डॉक्टर बोरिक बताते हैं रेनिकुलस बल्बोसस मेडिसिन के बारे में, जब डॉक्टर बोरिक बात करते हैं तो उसका चेस्ट वाला पार्ट जब चालू होता है, सबसे बड़ा पार्ट है चेस्ट का उसमें, और उसमें इटैलिक्स में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं. और माइंड यू, मैं अपने जिंदगी के अनुभव से बोल रहा हूं कि बोरिक, डॉक्टर बोरिक साहब की बुक में अगर इटैलिक्स में कोई चीज लिखी हुई है
और आप उसको सही तरीके से समझ गए और उसको सही तरीके से प्रयोग करना सीख गए, तो फिर वो बिल्कुल एकदम रामबाण की जैसे होती। बिल्कुल, क्या कहते हैं रेनुनकुलस बल्बोसस के बारे में, वेरियस काइंड्स ऑफ पेन एंड सोरनेस, कई तरह के दर्द और सोरनेस। सोरनेस क्या होती है, छूने में, धक्के में, दबाव में दर्द होता है, जैसे कि छिल गया हो, घाव हो गया हो, वहां पे ऐसी सरफेस पे अगर कोई चीज टच होती तो जैसा फील होता है पेन, उसको बोलते हैं सोरनेस। ठीक है ना, एक चीज। दूसरा, बहुत एक्सरसाइज कर लिया या गिर पड़ गया, मार लग गई और उसके बाद उस जगह पे जो छूने में दर्द होता है, दैट इज कॉल्ड सोरनेस। ठीक है ना, तो क्या बोल रहे हैं डॉक्टर बोरिक, वेरियस काइंड ऑफ, कई तरह के दर्द और सोरनेस, एज इफ ब्रूइज्ड इन स्टर्नम, जैसे कि बिल्कुल स्टर्नम में चोट लगी हो, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, रिब्स, इंटरकोस्टल स्पेस, पूरा देखो चेस्ट कवर हो रहा है, एंड बोथ हाइपोकॉन्ड्रिया। यहां एक चीज खत्म कर दी, दूसरा फिर एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लाइन बोलते हैं वो, और वो भी इटैलिक्स में लिखी हुई है, इंटरकोस्टल रूमेटिज्म। और दुनिया भर के चेस्ट से रिलेटेड सिम्टम दिए हुए हैं, स्टिचेस इन चेस्ट, चुभन हो तो, बिटवीन शोल्डर ब्रेस, वर्स इंस्पायरिंग, सांस लेने में ज्यादा, मूविंग, हिलने डुलने में, जो जैसा छाती का दर्द बढ़े। आमतौर पे चेस्ट रूमेटिज्म ऐसे ही होता है, जब भी होता है, ऑलमोस्ट स्पेसिफिक है। इवन जो लोग सिर्फ एलोपैथी की तरह होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है कि जुकाम है, एलियमसी पैफ्रिसिया, नींद नहीं आ रही है, पेसिफुलरा मदर टिंचर, बस फिक्स, ऐसी भी प्रैक्टिस करते हुए देखा है। तो वो लोग अगर कोई छाती का दर्द लेके आ जाए तो बिल्कुल ऐसी रेनुनकुलस बल्बोसस उठा के देते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रिलीफ कर देती है। और भी लिखा है, रूमेटिक पेन इन चेस्ट एस फ्रॉम सबकटेनियस अल्सर्स, ऐसा दर्द जैसे कि अल्सर हो गया, मतलब छूने में भी बहुत दर्द, इतना ज्यादा हो जाए तो, अल्सर्स को अपन छूते हैं तो कैसा दर्द होता है, तो ऐसा लगता है कि स्किन के नीचे घाव हो गए हैं, अल्सर हो गए हैं, मतलब चेस्ट रूमेटिज्म का जो अटैक होता है उसके करीब करीब ये ऑलमोस्ट स्पेसिफिक रेमेडी। और दवा देने के बाद दूसरे दिन आके वो क्या बोलती है, जैसे कि जादू हो गया, ठीक हो गई एकदम। ठीक, तो अगर इस तरह की भी अगर आप ट्रेनिंग करते हैं अपने माइंड की, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा घूम फिर के जाना पड़े मेडिसिन तक। अब आप यहां पे जिद पकड़ लेते कि नहीं, मैं पूरे मेंटल्स लूंगा, फिर मैं फिजिकल जनरल्स लूंगा, फिर मैं मियाजमेटिक डायग्नोसिस करूंगा, फिर उसके बाद मियाजमेटिक फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स मिलाऊंगा। मैंने देखा ऐसे होम्योपैथ्स को, पेशेंट आके 2 मिनट बात किया, 5 मिनट बात किया, 10 मिनट बात किया, मेडिसिन उठा के दे दी। शायद ऐसी ही नजर डेवलप हो जाती है आगे जाके। एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर हुए रायपुर में, डॉक्टर बीसी गुप्ता, एक बंगाली डॉक्टर, अभी उनकी एज अबाउ 90 होगी, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा उम्र दराज हो चुके हैं। उनको कितनी बार उनने रिपीट करी होगी कि उनको केंट मटेरिया मेडिका पूरी याद थी, एलेंस की नोट, नैश लीडर्स याद, कहां क्या कैसा, और नजर इतनी क्लियर कि थोड़ी देर बात करी और उन्होंने मेडिसिन उठा के दे दी। और वही चीज होती है कि आप मियाज्म के थ्रू जाओ, सेंसेशन के थ्रू जाओ, चाहे कैसे भी जाओ, अगर सही तरीके से जा रहे हो तो पहुंचोगे वही।
तो इस तरीके की भी ट्रेनिंग जो है एक बड़ी इजी ट्रेनिंग है, लेकिन मैंने क्या बोला, इस ट्रेनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीटेड एक्सपोजर, रिपीटेड एक्सपोजर, रिपीटेड एक्सपोजर। और अभी मैं बता रहा हूं कि जो ये अपनी क्लासेस चल रही हैं समर रेमेडी की, बीट द हीट विथ होम्योपैथी, अगर इनको भी अगर आप ये जितनी अपन बात कर रहे हैं अगर काफी रिपीटेड एक्सपोजर दे दिए तो आपके पास इस सीजन में अगर कोई पेशेंट आएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अभी एकदम से भी बीच में जब मौसम गर्म हुआ तो मेरे फादर का फोन आया, कहने लगे रात को कुछ खास तो खाया नहीं था ऐसा हैवी, लेकिन उसके बावजूद भी आज सुबह से अचानक से अच्छे बड़े बड़े, क्या उनके शब्द थे, अच्छे बड़े बड़े दस्त हो गए, बिल्कुल पानी जैसे, तीन हो गए। मैंने कहा पोडोफाइलम वनेम का एक डोज ले लीजिए, पोडोफाइलम वनेम का एक डोज लिया, उसके बाद नहीं हुए, ठीक हो गए, जनरल कंडीशन भी बेटर लगने लग गई। सो इस तरीके से आपने आपके माइंड की ट्रेनिंग हो जाए ताकि समर में कॉमनली जो प्रॉब्लम्स लोग बग लेके आते हैं गर्मी से संबंधित, उसमें आप लोग माहिर हो जाएं, उसमें आप लोग चूके नहीं। सो आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि सबसे ज्यादा काम आने वाली रेमेडीज में से ये रेमेडी है गर्मी के मौसम में, अगर इसका सही प्रयोग। अब देखो ये जो जितनी भी बातें अपन करेंगे, अब देखो अपन कैसे बिल्कुल फुल, अगर मान लो अपन किसी मेडिसिन के अपन बात करने जा रहे हैं, द रेमेडी इज ब्रायोनिया, द रेमेडी इज ब्रायोनिया, तो देखो जैसे अपन किसी रेमेडी के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अब देखना, जब अपन ब्रायोनिया के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा बिल्कुल, और आना भी नहीं चाहिए कि ब्रायोनिया एमलियोरेशन फ्रॉम रेस्ट, एग्रावेशन फ्रॉम मोशन, ड्राइनेस ऑफ होल म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है ये जनरल कंडीशन से मिलती है ब्रायोनिया में, पर ब्रायोनिया अलग अलग अंगों से भी, अलग अलग मोडालिटीज में से भी अपनी इंडिविजुअलिटी एक्सप्रेस करती है। आपकी इंडिविजुअलिटी किसी एक चीज से एक्सप्रेस हो कोई जरूरी नहीं है, तुम खड़ी हो दरवाजे के पीछे तो कोई जरूरी नहीं है कि तुमको देखूं तभी मैं पहचानूं, तुम्हारी आवाज सुन के भी मुझे पता चल जाएगा कि वहां डॉक्टर सुषमा खड़ी हुई है, क्यों, क्योंकि वो भी तुम्हारी इंडिविजुअलिटी प्रदर्शित कर रही है। क्या तुम्हारी, तुम दरवाजे के पार से तुम आवाज दोगे, तुम आवाज दोगे, तुम आवाज दोगे, क्या सेम रहेगी, वो भी तुम्हारी इंडिविजुअलिटी। इस तरीके से हर एक चीज अपनी इंडिविजुअलिटी। तो जब अपन ब्रायनिया के बारे में आज बात कर रहे हैं तो सारे प्रेजुडिस निकाल के फेंक देना और पूरी तरीके से सेंटर्ड हो जाना कि ये हॉट वेदर में, ये गर्मी के मौसम में, ये समर सीजन में हमारे कैसे काम आती है। और देखोगे जब आप कंप्लेंट्स देखोगे ना, आप बोलोगे यार इससे ज्यादा फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स तो आती नहीं है, इसके बारे में पहली बार डॉक्टर HCLN बोलते हैं, बड़ी स्ट्रांग बात कि जब ठंडे मौसम्स के बाद जब गर्मी का मौसम चालू हो, ऐसे वेदर चेंज की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ब्रायनिया कवर कर लेती है, क्योंकि आप ब्रायनिया के उसमें देखोगे तो जॉइंट रूमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आप देखोगे, जुगाम से रिलेटेड प्रॉब्लम, खांसी वगैरह भी, दुनिया भर के मतलब चूंकि पॉलीक्रस्ट है करीब करीब सभी अंगों में इसका प्रभाव है। बट इसका एक बड़ा कॉजेटिव फैक्टर है, जब ठंड के मौसम के बाद गर्मी का मौसम चालू होता है। लेकिन फिर भी इससे हम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो जाते, और भी रेमेडीज होती हैं, बट ये बड़ी स्ट्रांग इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप बिना रिपर्टरी, बिना मटेरिया मेडिका के हैं और आपको मेडिसिन सेलेक्ट करनी है, पूछ लिया कहीं कि भैया हाँ आप डॉक्टर साहब हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर साहब कोई दवा बताइए ना, तो वहां आपको आना चाहिए बताना, ठीक, ये उसी चीज की ट्रेनिंग है। तो देखो एक प्रॉब्लम जो मैं बताने जा रहा हूं ब्रायोनिया की, आप देखोगे कि इस सीजन में कितनी आती है,
क्या बोल रहे हैं, गर्मी के मौसम में ये बहुत होता है, आपके पास बच्चों को लेके आ जाती माएँ, खुद पेशेंट्स चले आते हैं और बोलते हैं कि कल क्या है बहुत तेज़ गर्मी या धूप थी, है ना, या बहुत कोल्ड ड्रिंक पी लिया था। बर्फ का गोला खा लिया था, आइसक्रीम खा ली थी। तो तेज गर्मी में कुछ ठंडा पी लेने से अगर कोई भी दिक्कत लेके आए कि गला लग गया है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, हाथ पांव दर्द हो रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सर दुख रहा है, एनी प्रॉब्लम अगर लेके आए और कॉजेटिव फैक्टर ये हो कि अच्छे तगड़ी गर्मी में उसने, बच्चों में अक्सर होता है, बच्चे समझते नहीं है, धूप धूप से खेल के आएंगे दौड़ भाग के और ठंडा पानी पी लेंगे फ्रिज से निकाल के, और शाम होते होते तक दूसरे दिन गला लग जाता है, खांसी होने लग जाती है और थ्रोट इन्फ्लेमेशन हो जाता है, गला दर्द हो रहा है, बुखार हो गया। है ना, कितना फ्रीक्वेंट होता है गर्मी के मौसम में ये इंसिडेंस जो मैं बता रहा हूं, ये कितना फ्रीक्वेंट होता है कि अच्छी भरी गर्मी में हॉट वेदर में कोई बर्फ खा लिया या ये बर्फ का गोला खा लिया, आइसक्रीम खा लिया या कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लिया। और डॉक्टर HCLN की इस बात को डॉक्टर क्लार्क भी और डॉक्टर हेरिंग भी अपने लिटरेचर में फुल समर्थन देते हैं। एक और बहुत स्ट्रांग इसकी मोडेलिटी है जिसको आपको अपने शब्दों में समझना जरूरी है, ये की नोट्स होते हैं, इसको अगर आपने खोल लिया कि ये किस तरीके से पाया जाता है तो सामने आते ही आपके दिमाग में रेमेडी का ख्याल आ जाएगा। और क्या बोल रहे हैं, आफ्टर टेकिंग कोल्ड और गेटिंग हॉट इन समर, गर्मी में सर्दी लग जाए या गर्मी में और गर्मी लग जाए, सरद गर्म वाला मामला जिनके साथ हो जाता है, तेज मौसम में, तेज गर्मी के मौसम में अगर कोई ये प्रॉब्लम लेके आ जाए कि एकदम से गर्मी पड़ रही है, तेज गर्मी पड़ना चालू हुई है, कल ही हमने अपना कूलर निकाला या एसी चालू किया, उसमें रात भर हम सोए कूलर में या एसी में, तो दूसरे दिन से ये प्रॉब्लम हो गई। टेकिंग कोल्ड और गेटिंग हॉट, थोड़ा सा धूप में घूम लिए या एक जगह काम कर रहे थे, ठीक है ना, तो वहां लाइट चली गई थी तो वो बहुत गर्मी हो गई थी, वो गर्मी गर्मी में वो घर के अंदर ज्यादा रह गए थे, तो भी ब्राइनिया के बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। ये बड़ा जबरदस्त कॉजेटिव फैक्टर है, चिलिंग व्हेन ओवरहीटेड। अच्छा, चिलिंग व्हेन ओवरहीटेड कोई जरूरी नहीं है गर्मी में ही मिले, मतलब जब आपका शरीर गर्म था तब कुछ ठंडा, जैसे कि आप जिम से एक्सरसाइज करके निकले, आपकी बॉडी में पसीना आ रहा, गर्मी है और आपने अपनी स्कूटर उठाई और चल दिए और ठंडी ठंडी हवा लग गई, एकदम से धूप धूप से आए या कोई मेहनत वाला काम करके आए, जब बॉडी गर्म है और ठंडे पानी से नहा लिया और वही ठंडा पानी पी लिया एकदम फ्रिज का निकाल के, चिलिंग व्हेन ओवरहीटेड, जब बॉडी आपकी गर्म हो किसी की और उसमें ऐसा कुछ, तो ब्राइनिया, तो ये कॉजिशंस बड़ी फ्रीक्वेंटली लोग भाग लेके आते हैं। और आमतौर पे आप अगर ब्राइनिया का कफ देखोगे कि गला लग गया, गला दुख रहा है, ड्राई कफ है या बुखार आ गया, बुखार के साथ रूमेटिक पेन, हाथ पांव दर्द हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, प्यास लग रही है, कब्ज हो गया, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, मुंह भी सूख रहा है और सूखी सूखी लेटरिंग भी हो रही है कड़ी कड़ी, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये कॉजेटिव फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गर्मी में ये बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं लोगों के साथ,
बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं, लोग धूप में घूम रहे होते हैं बिल्कुल एकदम, और कहीं कोई कोल्ड ड्रिंक पी लिए रुक के, है ना, कहीं पानी लेने गए ठंडी बोतल खरीद के पी ली, ठीक। वन, फिर एक और प्रॉब्लम आप अपने पिछली बार, लेकिन देखना कंपैरिजन यहां पे मैंने क्या बताया था, हॉट वेदर में जब डायरिया की बात कर रहे थे अपन ने, तो अपन ने पोडोफाइलम के बारे में बात करी थी, लेकिन इसमें भी होता है दस्त, अंधाधुंध कोई दवा नहीं देना, यहां बताया इसलिए जा रहा है कि जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा भाई उसकी इंडिविजुअलिटी अलग है और इसकी इंडिविजुअलिटी अलग है, ये अपने आप को किस जिस किस तरह से एक्सप्रेस कर रही है और वो अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रही है, ठीक। तो क्या है, अब सुनना, पूरी पिक्चर दिमाग में बिठाना, क्या बोल रहे हैं इसका पेशेंट आपसे क्या आके बोलेगा, तो आपके दिमाग में ब्राइनिया ठकठकाएगी, लेकेसिस ठकठकाएगी, क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग ए स्पेल ऑफ हॉट वेदर, हॉट वेदर के स्पेल में एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, कीनोट होता है, अगर आप समझ जाएं इसको खोल लें, तो पेशेंट बोला और मेडिसिन दिमाग में आई, क्या बोल रहे हैं, बिलियस एक्रिड विथ सोरनेस ऑफ एनस, लोग बहुत पढ़ते हैं ये लाइनें, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन इसको अपन समझते हैं कि पिक्चर कैसी रहती है इसकी, जब उस पिक्चर को हम समझ पाएंगे तब हम हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि पेशेंट क्या बोलता है, स्पेल ऑफ हॉट वेदर क्या होता भैया, अभी क्या स्पेल ऑफ हॉट वेदर चल रहा है, समझ लो स्पेल ऑफ हॉट वेदर कि पेशेंट आके बोलेगा, गर्मी का ही मौसम है, या ठंड के बाद गर्मी आ रही है और कभी कुछ दिनों के लिए गर्मी पड़ने लग जाती है, कभी कुछ दिनों के लिए मौसम ठंडा हो जाता है, ऐसा मामला चलता है, फिर समर पूरी तरीके से सेट हो जाता है जब लगातार पूरी गर्मी पड़ने लग जाती है, तो गर्मी के मौसम में या जब सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम हो रहा है, ऐसे दोनों ही कंडीशन में पेशेंट आके बोलेगा, अभी डॉक्टर साहब वो ये जो 5-6 दिन से या हफ्ते भर से जो अभी थोड़ी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी ना, स्पेल का मतलब होता है एक दौर चलना, ड्यूरिंग ए स्पेल ऑफ, अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर साहब वो 5-6 दिन के लिए एकदम गर्मी तेज हुई थी ना, इस दौरान अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, एक तरीके से अचानक से गर्मी बढ़ सी जाए थोड़े दिन के लिए, और उस दौरान जो पेशेंट आए वो एक स्पेल आया है हॉट वेदर का, एक दौर आया है, उस दौर के अंदर तो क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग स्पेल ऑफ हॉट वेदर, अभी एकदम से ये 2-4 दिन से जो गर्मी पड़ना चालू हुई ना, तब से तबीयत, अभी तक ठंडा था मौसम, अभी ये 5-6 दिन से जो गर्मी तेज पड़ना चालू हुई ना, पेशेंट के एक्सप्रेशन देखना, और गर्मी में भी बोलेगा, अभी कुछ दिनों से जो ये एकदम से गर्मी बढ़ी है ना, तो उसके बाद से मुझे ये दिक्कत हो रही है, एक स्पेल, एक दौर आया जब हॉट वेदर का, ऐसे ऐसे टाइम पे अगर कोई दस्त की शिकायत लेके आ जाए, और जब से डॉक्टर साहब दस्त हो रहे हैं, काले काले दस्त हो रहे हैं, ब्राउन ब्राउन से, बिलियस दस्त, ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश टाइप के उसको दस्त होते हैं, है ना, और वो एक्रिड होते हैं, लेकिन पेशेंट नहीं बोलेगा आपसे आपकी लैंग्वेज कि डॉक्टर साहब एक्रिड है, और आपका मामला आसान कर देगा, डॉक्टर साहब यहाँ ना बहुत लेटरिन की जगह ना छील सी गई है, बैठो तो दर्द होता है, बैठने पे कपड़ा टच होने पे दर्द होता है, छील सी गई है वो दस्त की वजह से, दिस इज द लैंग्वेज, वो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार इसको दस्त के बाद इसको छीला छीला सा लग रहा है, बैठने में कपड़ा छूने में उसको वहां पे तकलीफ हो रही है, कुछ टच हो रहा है तो तकलीफ हो रही है,
तो कहने का मतलब कि इसके स्टूल एक्रीड है, ये आपकी ट्रेनिंग आपको बताएगी। बट व्हाट इज द पेशेंट का जो प्रेजेंटेशन, कीनोट्स को हम कैसे खोलते हैं? इस तरीके से खोलते हैं, वो कीनोट्स हैं उनको इस तरीके से खोला जाता है अपने आप में कंप्लीट। तो ड्यूरिंग स्पेल ऑफ हॉट वेदर समझ गए कि पेशेंट क्या बोलता है आपसे आके, क्यों है समझ गए ना? अभी ये जो दो चार दिन से गर्मी तेज पड़ना चालू हुई है ना, तब से मुझे दस्त हो और लेटरिन की जगह में बहुत जलन हो रही, तक ऐसा लग रहा है छिल गई है, बैठो उठो कपड़ा टच हो, हाथ टच हो तो दर्द होता है, जैसे छिली हुई जगह में, घाव में, टच होने में, प्रेशर पड़ने में दर्द होता है। ये इसका एक ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन होता है कि आप समझ पाए कि एकदम से आपके दिमाग में, फिर देखना अगर सही तरीके की ट्रेनिंग होगी, बार बार अगर आपने इस चीज को रिपीटेड एक्सपोजर दिया होगा तो आपके दिमाग में दूसरी रेमेडी आएगी ही नहीं, आगे जाके शायद पुराने होम्योपैथी जो सही प्रैक्टिस करते हैं उनकी ऐसी स्थिति आ जाती है कि दूसरी रेमेडी आती ही नहीं, वही आती है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यही अचीव करना है एंड दैट इज व्हाट इज मास्टरशिप। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक। और क्या बोल सकता है पेशेंट? गंदे पानी जैसे दस्त हो रहे हैं, एक तरह के तो बता दिए, लेकिन ड्यूरिंग स्पेल ऑफ हॉट वेदर अगर इस तरह के भी दस्त हो, अक्सर बोलेंगे एकदम गंदा गंदा पानी जैसे दस्त हो रहे हैं डॉक्टर साहब, पानी पानी जैसे, जैसे गंदा पानी आ रहा हो, ड्यूरिंग स्पेल ऑफ हॉट वेदर, जब एकदम से गर्मी दो चार रोज से बढ़ी है, और अगर इस तरह का दस्त हो तो भी आप कॉन्फिडेंटली ब्राइन दे सकते, अपच निकल रही है, जो खाया है ना डॉक्टर साहब वैसे ही निकल रहा है, ऐसा भी आके बोले तो भी ब्राइनिया दे सकते हैं, अगर वो ड्यूरिंग स्पेल ऑफ हॉट वेदर हो। वो बोला कब से हो रहा? अभी ये दो चार दिन से जो गर्मी ज्यादा पड़नी चालू हुई ना, या वो नहीं भी बताया, आप बोले कब से? तीन चार दिन से तो गर्मी ज्यादा पड़ रही। हाँ डॉक्टर साहब तभी से तो हो रही, और कोई दूसरा प्रोबेबल कॉज खाने पीने से संबंधित और ऐसा कुछ नहीं है, और स्पॉन्टेनियस ये है स्ट्रॉन्ग स्पेल ऑफ हॉट वेदर। तो ये शब्द स्पेल ऑफ हॉट वेदर को पेशेंट कैसे बोलता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। और एक जो कि बहुत ही ज्यादा मिलता है, बहुत ही ज्यादा मिलता है, वही कि हॉट वेदर में कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, दस्त हो गए, या ओवर हीटेड थे, जिम से आए थे बिल्कुल एकदम एक्सरसाइज करके, और कोल्ड ड्रिंक पी लिया या लस्सी पी ली ठंडी ठंडी, और दस्त लग गए, और अपन ने बात की ही थी चिल्ड व्हेन ओवरहीटेड। तो अब ये जो जितनी अभी तक जो थोड़ी सी बातें करी हैं, अगर आप इसमें कॉन्सेंट्रेट हो तो ये गर्मी की बहुत सारी, बहुत लार्ज गर्मी में होने वाले प्रॉब्लम्स को ये कर लेती है, अगर आप इस नजरिए से देख पाए तो। क्या होता है, इस नजरिए से आप कॉन्सेंट्रेट दृष्टि से नहीं देख पाते हैं मेडिसिन को, दूसरी चीजें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपको। कभी कोई सुना था ब्राइनिया का स्वभाव किसी से, कि ब्राइनिया का स्वभाव ऐसा होता है, वो भी मिलाने लग जाते हैं। ये करना ही नहीं है, आपकी ट्रेनिंग हुई है ना, जब वो चीज सामने आएगी तो अपने आप क्लिक होना चाहिए, चाहे वो माइंड से आए, मियाज्म से आए, सेंसेशन से आए, डॉक्टर बोरिक के तरीके से आए, क्लासिकल तरीके से आए, कैसे भी आए, द प्रोसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस। और वो एक ही चीज से संभव है, पेशेंस एंड परसीवरेंस। ओके, तो ये तो अपन ने सुन ली डॉक्टर बोरिक की बात, ब्राइनिया के बारे, वो सॉरी डॉक्टर एच सी एल एन की बात। डॉक्टर बोरिक भी कंफर्म कर देते हैं उन्हीं बातों को जिनको डॉक्टर एस सी एल एन साहब ने कहा है, लेकिन वो देखो वो लैंग्वेज अलग यूज करते हैं क्योंकि उनका देखने का नजरिया अलग है, तो आपका नजरिया रिच हो जाता है,
दो चार पांच छह लोग एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देख के एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपके पास लोग आते हैं एक ही चीज को कई तरीके से एक्सप्लेन करने वाले, कोई पल्सेटिंग पेन को बोलता है धमक चल रही है, कोई पल्सेटिंग पेन को बोलता है चटक चल रही है, कोई पल्सेटिंग पेन को बोलता है चमक रहा है, कोई पल्सेटिंग पेन को बोलता है लहक रहा है। डॉक्टर साहब एकदम पके फोड़े जैसा लहकता है, सुना होगा कई बार अपने क्लिनिक में, ठीक। तो डॉक्टर बोरिक क्या कह रहे हैं, वो देखो वही कह रहे हैं, उनने बोल दिया था बिलियस स्टूल, ये क्या बोल रहे हैं कैसा दस्त होता है, ब्राउन थिक होती, बात सेम है। बिलियस स्टूल का मतलब होता है कि गाढ़ा गाढ़ा, गाढ़ा गाढ़ा एकदम पानी जैसा पतला नहीं, गाढ़ा गाढ़ा स्टूल हो रहा है और ब्राउन, डार्क ब्राउन, दैट इज बिलियस स्टूल, सेम थिंग। और एक चीज और बता दी, कभी कभी ये डिसेंट्री का रूप भी ले लेता है कि साथ में ब्लड भी आ रहा है, मतलब वो इन्फ्लेमेशन ऐसा भी हो जाता है कि ब्लड भी आ जाती है। और ये कब होते हैं दस्त, डॉक्टर बोरिक ने भी वही बात बोल दी, गर्म मौसम में हो जाए इस तरह के दस्त, आफ्टर बीइंग हीटेड, ज्यादा हीटेड हो गया, कोई ऐसा काम किया जिससे आप बहुत गर्म हो गए, कोई बहुत कभी करते नहीं है और बहुत मेहनत का काम किया आपने गर्मी के मौसम में, हो सकता है। लेकिन याद रखना घर के अंदर जब ओवर हीटेड हो गए तब ब्राइनिया, घर के बाहर अगर धूप में अगर एग्जर्शन कर लिया, धूप अच्छी थी, फील्ड वर्क था, भेज दिया दो घंटे तक कोई अच्छा ऐसा काम किया धूप में, कड़ी धूप में, या कड़ी धूप में खेल लिए, वो भी एक्सर्शन हो गया। तो धूप में एक्सर्शन तो सिंगल रेमेडी है भैया, फर्स्ट ग्रेड में, जनरलिटीज में, एंड दैट इज एंटीम क्रूड, एक्सर्शन अंडर सन, सिंगल रेमेडी फर्स्ट ग्रेड जनरलिटीज में, एंटीम क्रूड। बाद में और रिपर्टरीज में आते एक आध जोड़ दिए हो मेडिसिन तो नहीं मालूम, बट जहां तक मेरी जानकारी देर इज सिंगल रेमेडी इन फर्स्ट ग्रेड, निकाल के देखो जनरलिटीज में, देखो सिंथेटिक रिपर्टरी में, जनरलिटीज में आप खोलते हैं सन, सन के अंदर खोलते हैं इन एक्सर्शन, धूप में सूरज के नीचे अगर आपने कोई एक्सर्शन का काम कर लिया और उसके बाद, या चाहे वो क्रिकेट खेल लिया, चाहे वो फुटबॉल खेल लिया, है ना, चाहे वो कोई मेहनत का काम कर लिया। एक आया मेरे पास लाइनमैन बिजली विभाग का, फील्ड में ड्यूटी लगी थी, भरी दोपहर में किसी इंपॉर्टेंट जगह का ट्रांसफार्मर उड़ गया, उसको बोला जाओ, ये साहब बहुत सोच रहे थे यार इतनी तगड़ी धूप पड़ रही है इसमें तो आज कहीं निकलूंगा नहीं घर से, ये सोच के बैठे थे, लेकिन अब सरकारी नौकर हैं, ऑर्डर आ गया चले गए, है ना, दो घंटे तक खंबे में चढ़ के उसको सुधारते रहे, करते रहे, समझ में आई। और उसके बाद दूसरे दिन से उसी शाम से बुखार आने लग गया, पेट की गड़बड़ी चालू हो गई, दुनिया भर की चीजें, बट कॉजेशन क्या था, एक्सर्शन अंडरसन, एंटीम क्रोड इज डोज, एंड वो ठीक हो गई। मेरी बच्ची अभी उसका स्कूल फिर से चालू हुआ, अगली क्लास में गई, बीच में एक महीने के लिए लोग चालू करते हैं आजकल, तो धूप तब तक तेज पड़ने लगी, और वो वहां गार्डन में, वो प्ले स्कूल है KG1 में है वो, तो उस दिन इतने दिनों बाद वो इतनी तेज धूप में आधे पौन घंटे खेली, ठीक, और उसको क्या हो गया, पुरानी लैंग्वेज में अपनी बुक्स में दिया गया है गैस्ट्रिक कटार, पढ़ा होगा गैस्ट्रिक कटार, और नई लैंग्वेज में उसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी, जो भी खा रहे हैं उल्टी हो जा रही है, पानी भी पी रहे हैं थोड़ी देर बाद उल्टी हो जा रही है, जी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ खा लिया तो जब तक उल्टी नहीं हो जाएगी तब तक अच्छा नहीं लग रहा है,
बुखार आ रहा है, चिड़चिड़ कर रहे हैं बच्चे, कोई दूसरा गोद में लेने की कोशिश करे तो एंड जाते हैं, दे डोंट वॉन्ट टू बी टच्ड, दे डोंट वॉन्ट टू बी लुक्ड एट। एंटीम ग्रोन का बच्चा देखो उसकी तरफ तो चिढ़ता है, छूने से छूने नहीं देता, ऐसी होता है ना। क्या लिखा है एंटीम ग्रोन के माइंड में, अगर आप सिंथेसिस रिपर्टरी में मेंटर्स खोलेंगे, एक रूब्रिक है श्रीकिंग टच्ड वेन, छुओ और चीख मार देता है। अब इसमें दी हुई है ट्रेन रेमेडीज, एंटीम ग्रोन भी है लेकिन आर्निका इस फर्स्ट ग्रेड में दी हुई है, लेकिन भैया जब आप इनकी इंडिविजुअलिटी समझेंगे ना तो आपको पता चलेगा एंटीम ग्रोन का श्रीकिंग वेन टच्ड अलग है, वो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और उसको कोई बोलता आ बेटा आ, ये वो कैसा है यार, हम तो प्यार से उसको, और वो ऐसे ऐठ रहा है बिल्कुल एकदम ऐसा। लेकिन आर्निका का श्रीकिंग वेन टच्ड क्या होता है, आर्निका को जो रूमेटिक पेन होता है, जो चोट लगी होती है, वो इतनी सेंसिटिव होती है ना कि पहले तो वो कोई छुए ही ना वो ध्यान रखता है, फियर ऑफ बीइंग टच्ड, कि कोई टच ना हो जाए कुछ, ठीक है, और अगर कोई छू लिया तो फिर चीख मारता है, वो दर्द से चीख मारता है, ये चिड़चिड़ेपन से चीख मारता है एंटीम ग्रोन, आर्निका दर्द से चीख मारता है, इतनी जबरदस्त सोरनेस होती है उसको, फियर ऑफ बीइंग टच्ड उसका वही है, रूमेटिक पेन्स का, यस ऐसे किस तरह के पेन, चोट वोट लग जाए, गिर पड़ जाओ, ब्रूइस्ड पेन। देखो बिल्कुल अलग इंडिविजुअलिटी है, आप जानते हो इनके बारे में तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, कि एंटीम ग्रोन का श्रीकिंग वेन टच, छूने से चिल्लाता है, ये बिल्कुल अलग है, और आर्निका का श्रीकिंग वेन टच ये बिल्कुल अलग है। सो अब अपन वापस ब्रायनिया में आ जाते हैं, बात करना जरूरी थी नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते, तो वापस अपन ब्रायनिया में आते हैं, तो वही सब कही है डॉक्टर बोरिक ने भी बातें, फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स इन वार्म वेदर, डॉक्टर क्लार्क ने भी यही कही है, और अभी मैंने बताया डॉक्टर एसेलन ने भी यही बताया है कि ठंडा कुछ पी लिया गर्म मौसम में, एवरी ये भी बोलते हैं एवरी स्पेल ऑफ हॉट वेदर, एवरी स्पेल ऑफ हॉट वेदर, जब भी गर्मी तेज होती है तब तब प्रॉब्लम होती है, और डॉक्टर क्लार्क और हेरिंग भी इसका समर्थन करते हैं। डॉक्टर बोगर ने एक और तरह का डायरिया बता दिया गर्म मौसम में, उसमें ब्रायनिया की बड़ी फेमस मोडेलिटी भी जब तक मतलब शामिल हो जाती है गर्म मौसम में। डॉक्टर बोगर बोलते हैं अगर इस प्रकार के भी दस्त हो कि अगर वो चुपचाप बैठा हुआ है तो ठीक है, जहां वो उठ के खड़ा हुआ मतलब मूव किया कि उसको इतनी गशिंग डायरिया आता है इतनी फोर्स से कि उसको दौड़ लगा के जाना पड़ता है, गशिंग डायरिया ऑन राइजिंग। जब इसलिए हॉट वेदर में अगर दस्त हुए हैं और पेशेंट लेटा हुआ है, क्यों डॉक्टर साहब उठ के बैठता हूं या खड़े होता हूं तो बहुत तेज दस्त आता है इसलिए वो लेटा हुआ, ऐसा प्रेजेंटेशन मिलता है। तो गर्म मौसम में डायरिया ऑन राइजिंग, इसको ब्रॉड वे में समझ लेना कि इसमें वही ब्रायनिया की मोडेलिटी है कि कौन सी मोडेलिटी है, सॉरी उसके नहीं उसके अपोजिट, वो क्या ब्रायनिया को रेस्ट से एम्यूलेशन होता है। तो ब्रायनिया का सोचो, मेरे को एक बार डॉक्टर कासिम जिमठाना वाला सर ने बताया था कि मोशन ये जो मोडेलिटीज में मिलती है ना ये भी स्ट्राइकिंग होनी चाहिए। डॉक्टर कासिम चिमठाना वाला सर ने तो यहां तक भी बताया था एक बार कि आंख के मोशन से भी उसको एग्रावेट होता है ब्रायनिया, मतलब इतनी पिक्यूलियरिटी रहती है। इसलिए ब्रायनिया का पेशेंट किसी उसकी खास तकलीफ में वो एब्सोल्यूट रेस्ट की कंडीशन में रहना चाहता है कि वो ना अपना आंख हिलाए ना हाथ हिलाए ना कुछ भी हिलाए, क्योंकि मोशन उसको एग्रावेट कर। डॉक्टर बोरिक ने क्या बताया है कि ऑन राइजिंग, जहां ये उठ के बैठा या उठ के खड़ा हुआ कि इसको गशिंग डायरिया आता है फोर्स के साथ, गश मतलब
एकदम फोर्स के साथ डायरिया आता है। इसलिए या तो ये चुपचाप जब दस्त हो जाता मरीज हो जाता है गर्म मौसम में, तो अपने आप ही नेचुरली ये चुपचाप जाके बिस्तर में लेटा रहता है, हिलता डुलता नहीं है, ये बैठा है तो एक जगह बैठा रहता है, क्योंकि जहां मूव करता है, खड़े होता है, उठता बैठता है, एकदम से तेज दस्त आते हैं। ये और आपका नॉलेज रिच कर दिया डॉक्टर बोगर ने कि हॉट वेदर में इस तरह के दस्त में भी ब्रायनिया काम आ सकती है। और डॉक्टर क्लार्क एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, दस्त से गर्म मौसम होने वाले दस्त, उन्होंने बोला अगर सड़ी बदबू वाले हो रहे हैं, एक उन्होंने कंपैरिजन भी किया है एज ऑफ ए रोटेन चीज, जैसे कि पनीर सड़ जाता है, अपन सड़े पनीर की स्मेल कैसी होती है, ये तो आपको सड़ा के उसको लेनी पड़ेगी तभी आप समझ पाओगे, ठीक। वैसे इन जनरल अगर ऑफेंसिव ही है और किसी चीज से मिला नहीं पा रहा है, बदबूदार दस्त है और वो किसी चीज से मिला नहीं पा रहा है, तो थिंक अबाउट पोडोफाइलम, पोडोफाइलम को ज्यादा जोर देना, ठीक। और जो कहीं कोई किसी ने नहीं दिया, एक आखिरी बात कर रहे हैं अपन ब्रायनिया के बारे में, आखिरी बात जब अपन कर रहे हैं ब्रायनिया के बारे में, डॉक्टर नैश, डॉक्टर नैश, और डॉक्टर नैश एक ऐसे डॉक्टर रहे हैं होम्योपैथिक फील्ड में, डॉक्टर ई बी नैश, उनके जैसे बोल्ड डॉक्टर्स मैंने नहीं देखे। कितने भी बड़े महान आदमी ने अगर बता के गया हो कि ये दवा इस काम में आती है, उनने प्रयोग किया, उनको फायदा नहीं हुआ, तो उनने बोल दिया साहब भैया मेरे को तो इससे इस लक्षण में कोई रिलीफ नहीं मिला, मैंने ये दवा दी थी तो मेरे को इस चीज से रिजल्ट मिला, और मैंने ये दवा क्यों दी थी उसकी वजह भी बता देते हैं। तो बोलते हैं अगर गर्मी के मौसम के कारण, डॉक्टर ईबी नैश बोलते हैं, इतना भयंकर फटने वाला सर दर्द हो कि सर खुल जाएगा, फट के बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा सर, इतना फट रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि सर बिल्कुल अलग हो जाएगा, फट के बिल्कुल एकदम एज इफ स्प्लिट ओपन, पेशेंट बिल्कुल आके ऐसे ही बोला इतना फट रहा है ना, और कोई और कारण नहीं बता पाया, और कारण मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या लग रहा था, हॉट वेदर। पूछने भी पता चला कि हाँ जब से ये वही स्पेल चला, जब से थोड़ा दो चार दिन से गर्मी पड़ रही ना, भयंकर सर दर्द हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है ना सर डॉक्टर साहब की फट जाएगा एकदम, बिल्कुल एकदम फट के अलग हो जाएगा, ऐसा प्रेजेंटेशन दिया हॉट वेदर में। डॉक्टर नैश बोलते हैं ब्रायनिया से मैंने उस चीज को ठीक किया है, और उसको फिर कंफर्म भी किया है कई बार। और डॉक्टर नैश अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप भी बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही भरोसे से इसको यूज कर सकते हैं। सो तो आप लोगों ने देखा कि ब्रायनिया कितने सारे समर की कंप्लेंट्स में जो आम तौर पे होती हैं, आप टकराओगे ही टकराओगे मोस्टली गर्मी में, ऐसी कंप्लेंट्स में ब्रायनिया आपका एक बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही अच्छा हथियार है, ठीक। नाउ वन मोर वेरी नाइस रेमेडी, वेरी गुड रेमेडी, जो समर में बड़ी फ्रीक्वेंटली इंडिकेट होती है गर्मी से होने वाली प्रॉब्लम्स में, एंड दैट इज लेकेसिस। तो एक चीज तो हम जब सेलेनियम के बारे में बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तब एक चीज तो लेकेसिस की अपन ने बात कर ही ली थी, जब ये बताया गया था कि हॉट वेदर में बहुत वीकनेस होती है सेलेनियम में, इतनी ज्यादा वीकनेस होती है कि उसको बस ऐसा लगता है कि लेट जाऊं, और
गर्म मौसम में कभी कभी अचानक से बहुत तेज वीकनेस, जैसे कि बिल्कुल पेशेंट क्या बोलता है, एकदम से ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं रही, इतनी वीकनेस लगती है, बस तुरंत लेट जाती हूं, ये प्रेजेंटेशन होता है हॉट वेदर में सेलेनियम का। लेकिन उनने ये भी बोला था वहां पे कि जब आप हॉट वेदर से होने वाली, गर्म मौसम से होने वाली वीकनेस की बात कर रहे हैं तो आप लेकेसिस, नेट्रम कार्ब एंड नेट्रम म्यूर, इन तीनों को भी कंपेयर कर लें। तो सेलेनियम किस तरीके से वीक करता है गर्म मौसम में, ये तो अपन ने देख लिया था। अब उसका उससे हटके लेकेसिस कैसे करता है, ये जब हम देखने के लिए निकले तो ढूंढते मिला कि यार इसमें डिफरेंस सेलेनियम और इसमें डिफरेंस क्या है। तो ढूंढते जब अपन पहुंचे कहां, हम पहुंचे डॉक्टर फेरिंगटन की क्लिनिकल मटेरिया मेडिका में। डॉक्टर फेरिंगटन वॉज अ वेरी ग्रेट डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी, जो बहुत ही महान बेहतरीन डॉक्टर्स हुए हैं और जो बेहतरीन वर्क्स अपने करके गए हैं। और माइंड यू, मैं बात कर रहा हूं क्लिनिकल मटेरिया मेडिका से, जो उनने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में उनको मिला और उसको उन्होंने बार बार कंफर्म किया, उसी के बारे में बताया। उनने बोला कि एक फर्क होता है जब लेकेसिस के ऊपर के पेशेंट के ऊपर जो गर्म मौसम का प्रभाव पड़ता है, जो वीकनेस होती है, और सेलेनियम की जो वीकनेस होती है, उसमें एक बोले बहुत खास फर्क होता है, डॉक्टर फेरिंगटन बताते हैं। और आप इस फर्क को समझ लोगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ खास तरह के लोगों में गर्म मौसम इफेक्ट डालता है लेकेसिस का। कोई बहुत ज्यादा मेंटल वर्क पड़ गया हो आदमी को, सुनना, और वो दिमागी तौर पे थक गया हो, स्टूडेंट्स पढ़ने वाले, एग्जाम का टाइम चल रहा है, गर्मी के टाइम में रात रात भर उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, या खूब पढ़ाई करनी पड़ रही है, या अचानक से मार्च क्लोजिंग होती है इंडिया में, ठीक है, तो क्या है कि बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी वाला काम आ जाता है लोगों पे। ऐसे लोग जो कि मेंटली प्रोस्ट्रेट हो गए हैं किसी वजह से, मानसिक रूप से थक गए हैं, 2-3 एग्जाम्पल मैंने बताया कहां थक सकते हैं। और ऐसे लोगों को जब गर्म मौसम, हॉट वेदर में जब कमजोरी ज्यादा महसूस हो, या फिर शराबियों, या फिर शराबी कोई है, क्रॉनिक ड्रिंकर है, उसकी हिस्ट्री में एक खास चीज मिल रही है कि वो क्रॉनिक ड्रिंकर है, वो शराबी है, वो रोज पीता है या हर 2-4 दिन में पीता है, लेकिन पीता है, क्रॉनिक ड्रिंकर है, और उसको गर्म मौसम में ऐसी अगर खूब वीकनेस महसूस हो, देन लेकेसिस। मानसिक रूप से थक गया हो आदमी बहुत ज्यादा, और उसको अगर धूप से वीकनेस या गर्म मौसम से वीकनेस हो, देन लेकेसिस। ये सेलेनियम में नहीं था। अगर गर्म मौसम में से उसको खूब बहुत वीकनेस और थकान महसूस हो रही है और शराब पीने की हिस्ट्री है रेगुलर, देन थिंक अबाउट लेकेसिस। तो डॉक्टर फेरिंगटन बोलते हैं जो शराबी होते हैं, जो बहुत ज्यादा मानसिक श्रम करके जो थक जाते हैं जो लोग, और वो कहां मिलेंगे मैंने बता दिया, उन लोगों पे गर्म मौसम कैसा प्रभाव डालता है, एक तो बहुत सुस्ती, बोलेंगे डॉक्टर साहब जब से गर्मी हुई तो मैं बिल्कुल एकदम किसी काम कर ही रहता, इतनी सुस्ती आती है गर्मी में। लेकिन याद रखना किनकी बात कर रहा हूं, शराबी या जो मानसिक श्रम करके थक चुके हैं। अब ऐसे लोग जब गर्म मौसम को एक्सपोज होते हैं, कोई बताएगा नहीं कि मैं मानसिक श्रम करके आया, एक तो ये काम भी पड़ गया और दूसरी ये गर्मी, और जब आप हैबिट वगैरह के बारे में पूछे तो बताए कि हाँ ये पियक्कड़ है, शराबी। ऐसे लोगों को जब गर्म मौसम के संपर्क में अगर आए, बहुत सुस्ती, बहुत थकान, ऐसा लगता है बहुत थकान थकान लगती, ताकत नहीं लगती, गर्मी के मौसम तो सूट नहीं करता डॉक्टर साहब, या डिजी, साथ में थोड़ा सा डिजीनेस, चक्कर, फेंट,
मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी, बिल्कुल एकदम पड़े हुए हैं, बिल्कुल एकदम जान ही नहीं लग रही है, ऐसा गर्मी का मौसम कि मतलब एडमिट करने की तक नौबत आ जाए, ऐसी भी फेंट बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो गर्मी का मौसम किसी के ऊपर इस तरीके से प्रभाव डाले। कभी कभी तो कंफ्यूजन हो जाता है कि लू तो नहीं लग गई, क्यों? क्योंकि कभी कभी लेकेसिस में कंजेशन, क्योंकि लेकेसिस में ब्लड सर्कुलेशन का इरेगुलरिटी पाई जाती है, तो उसको क्या होता है, जैसे बिल्कुल एकदम अपन देखते हैं ना जिसको लू लग जाती है, चेहरा एकदम लाल हो जाता है, कंजेशन लाल हो जाता है बिल्कुल, चेहरा बिल्कुल एकदम डार्क रेड। और कैसा दिखेगा गर्म मौसम का इफेक्ट, कैसे दिखेगा? केडावरस, संकन एंड केडावरस। अब आप इसको कैसे समझेंगे, अगर आप किसी ऐसे काम किसी व्यक्ति को देखे ना जो बहुत दिन से भूखा, कई दिनों का भूखे होने से चेहरा कैसे धस सा जाता है बिल्कुल एकदम, है ना? या आप किसी लाश को देखते हो तो चेहरा उसका कैसा धसा सा रहता है बिल्कुल एकदम, हड्डियां दिख रही एकदम सिकुड़ सा जाता है बिल्कुल एकदम। या कई दिनों के भूखे आदमी को आप देखते हो उसका चेहरा कैसे दिखता है ना, वैसा दिखने लग जाता है, भयंकर कमजोरी और बिल्कुल ऐसी लुक लुक जो मैंने बताया। एक एक शब्द को अच्छी तरीके से आपको समझना है। ठीक है, क्या मतलब होता है केडावरस का, केडावरस लुक? किसी का चेहरा अगर अपन कहीं पे भी आप मटेरियल मेडिकल में बहुत पढ़ेंगे कि केडावरस लुक, तो आप बोलोगे लाश जैसा लुक, नहीं, आप इसको समझो। ठीक है ना, बहुत लंबी बीमारी झेलने के बाद या बहुत दिनों तक भूखा रहने के बाद जो चेहरा किसी का जो एकदम पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है बिल्कुल एकदम, उसको कहते हैं केडावरस लुक। तो चेहरा एकदम डार्क रेड विद केडावरस लुक, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा इफेक्ट डालता है गर्म मौसम, डॉक्टर फेरिंगटन कहते हैं। लेकिन किन लोगों में? उनमें या तो शराबी होने की हिस्ट्री मिल रही है या तो पहले से ही वो मेंटली प्रोस्टेटेड थे। लेकिन सेलेनियम के लिए कोई शर्त नहीं है, उसके ऊपर डायरेक्ट डाल देता है गर्म मौसम, नॉर्मल सामान्य आदमी पे भी वीकनेस। ओके, सबकी वीकनेस अलग अलग होती है। गर्म मौसम में नेट्रम्यूर को वीकनेस फील होती है तो कैसी, लेकेसिस को फील होती है तो कैसी, नेट्रमकार को फील होती है तो कैसी, और सेलेनियम को फील होती है तो कैसी। एक आध ही क्वेश्चंस करके आप तुरंत वहीं के वहीं क्लियर हो जाएंगे अगर आपने इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेनिंग दी हुई है तो। ओके, तो ऐसी सन की हीट ऐसा इफेक्ट डालती है, सन की हीट बिल्कुल ऐसी लगता है कि सन स्ट्रोक हो गया, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल फेंट कंडीशन में ले आए और पता चला कि धूप लगी है इसको, चेहरा एकदम लाल हो रहा है बिल्कुल एकदम, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम कई दिनों का बीमार है, कई दिनों का भूखा, संकन लुक, फेंट पड़ा हुआ, जान नहीं, ताकत नहीं बिल्कुल एकदम, और वो शराबी या ऑलरेडी कोई स्टूडेंट है बेचारा जो अभी एग्जाम चल रहे हैं बहुत पढ़ रहा है, या मार्च क्लोजिंग के टाइम पे किसी बैंक वाला है कोई बहुत काम पड़ गया। ठीक है ना, तुम्हारी वाइफ बैंक में है ना, तो कभी धूप लग जाए उसको मार्च क्लोजिंग के टाइम में जब ज्यादा वर्क होता है, हाँ, तो लेकेसिस दे देना। ठीक है, अभी चल भी रहा होगा, हो गया, ओके, मतलब लेकेसिस की रेंज से अब बाहर आ गई। ठीक, ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वैसे भी लेकेसिस की एक खासियत है कि लेकेसिस को ना एक्सेसिव कोल्ड वेदर और एक्सेसिव वार्म वेदर दोनों ही इफेक्ट डालते हैं। लेकेसिस को ज्यादा ठंड पड़ेगी तो भी दिक्कतें होती हैं तेज ठंड में, लेकिन इसको ज्यादा वार्म वेदर होगा तो भयंकर कमजोरी, एक्सेसिव डेबिलिटी, चिंतित हो जाते हैं लोग बाकी कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, डॉक्टर जाके चेक करता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में बोलता है इनका बीपी लो हो गया है, इनको लो बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, बट वो लेकेसिस की कंडीशन या सेलेनियम की कंडीशन होती है। ठीक,
अच्छा, इसकी जो प्रॉब्लम लेकेसिस की ठीक भी हो चुकी होती है, पहले कभी थी, हुई थी 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, उसके बाद इलाज इलाज करवाए थे, ठीक हो गई, लेकिन क्या होता है, अब दो तरीके के हॉट वेदर होते हैं, एक होता है आपका जो अभी ड्राई हॉट वेदर चल रहा है अभी, और एक होता है कभी गर्मी के टाइम में पानी गिर जाए, या जब गर्मी के बाद शुरुआती पानी गिरता है और उमस वाला मौसम होता है, डैम्प वेदर, तो पुरानी ठीक हुई प्रॉब्लम वापस चालू हो जाए। पहले ठीक हो चुकी थी, जब से ये उमस पड़ना चालू हुई है फिर से वो प्रॉब्लम होने लग गई है, तो रिन्यू हो जाती प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो ठीक हो चुकी थी लेकिन डैम्प हॉट वेदर में रिन्यू हो जाए, फिर से चालू हो जाए। ठीक है, अब देखो ये भी गर्म मौसम में हॉट वेदर में होने वाले दस्त में काम आती है, लेकिन अभी देखो अपन ने बात कर रहे थे तो ब्राइनिया का दस्त एकदम क्लियर है, पोडोफाइलम का दस्त एकदम क्लियर है, आपको इसके भी गर्मी में होने वाले दस्त एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसको जो दस्त होते हैं लेकेसिस को, वो ऐसा लगता है कि कीचड़ में ब्लड मिला हुआ हो, पेशेंट क्या बोलेगा, कीचड़ कीचड़ जैसे होते हैं खून मिले हुए, और खास तौर से कब, खास तौर से कब, जब गर्म मौसम में, एक तो गर्म मौसम से डायरेक्ट भी अगर कीचड़ जैसे खून मिले हुए दस्त हो तो उसके लिए भी लेकेसिस ठीक है, लेकिन अगर गर्म मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि कोई नींबू पानी पी लिया, कोई संतरे का जूस पी लिया, कोई मौसम्बी का जूस पी लिया, मतलब या कोई पाइनएप्पल जूस पी लिया, ये अक्सर होता है ना कि ऐसा हुआ था कल, हाँ कल पाइनएप्पल जूस पिया था, तो एसिड फ्रूट का जूस या एसिड फ्रूट का यूज इन हॉट वेदर, उससे अगर हो जाए, और वही बात को दूसरे तरीके से बताते हैं डॉक्टर हेरिंग, जो अभी डॉक्टर फेरिंगटन बता चुके हैं, डॉक्टर हेरिंग कहते हैं कि शराबियों को अगर भयंकर दस्त हो रहे हो गर्म मौसम में, शराबियों को, या कोई ऐसी आ गया कि गर्मी का, पहले पहले तो नुकसान नहीं करती थी डॉक्टर साहब, अभी तो 2 महीने पहले भी पीता था मैं, मेरे को नुकसान नहीं करती थी, अभी तो नुकसान नहीं करती थी, अभी जब से गर्मी पड़नी चालू हुई अभी मैंने कल पिया, देखिए दस्त हो रहे हैं मेरे को, ऐसी कंडीशन, शराबियों को अगर गर्म मौसम में दस्त हो और साथ में उस दस्त की वजह से भयंकर बिल्कुल एकदम प्रोस्टेटेड इस कंडीशन में हो, गजब का एग्जॉशन, गजब की कमजोरी दस्त के साथ, ठीक है, और ऐसे भी दस्त हो, अगर बोलते हैं डॉक्टर हेरिंग कि दस्त करने के बाद भी उनको ऐसा कैसे लगे, दस्त करने के बाद भी उसको ऐसा लगे कि अभी और जाना है, अभी और जाना है, पेशेंट क्या बोलता है, दस्त करके उठो और उसके बाद भी लगता रहता है कि अभी और होगा, अभी और होगा, तो चाहे पतले पतले दस्त हो, कोई पानी जैसे नहीं बोले, पतले पतले बोले तो कैसे, पतले पतले दस्त बोले तो कैसे, पानी जैसे दस्त अलग होते हैं, पतले दस्त अलग होते हैं, गोबर जैसे हो जो जिनकी कंसिस्टेंसी पतले, ठीक है, उनको मशी स्टूल बोला जाता है, पेपी स्टूल बोला जाता है, थिन स्टूल बोला जाता है अपनी लैंग्वेज में, और या कीचड़ जैसे खून मिले दस्त हो, शराबियों को या गर्म मौसम में शराब पीने से अगर दस्त हो जाए, मानते थोड़ी ना शराबी लोग, लेकिन खास तौर से अगर बियर पीने से हो जाए तो तेन काली बाई करो, लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया इसलिए नहीं बता पा रहे, है ना, बियर के साथ विशेष एफिनिटी है काली बाइक्रोम की, ठीक है, तो अगर कोई गर्म मौसम में भयंकर कमजोरी के साथ कोई शराबी आके बोले या शराब पीने के बाद कि पतली पतली लेटरिन हो रही डॉक्टर साहब,
बहुत कमजोरी हो रही है और लेटरिन करके उठता हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी और जाना बाकी है, ऐसा फीलिंग ही नहीं आती कि हाँ हो गया, कंटिन्यूअस डिजायर बनी रहती पूरे टाइम, ऐसा लगता है कि लेटरिन आ रही है, हर वक्त ऐसा लगता रहता है कि लेटरिन आ रही है, और शराब पीने से ये चीज शुरू हुई है और गर्म मौसम है। कई बार ऐसे पुराने शराबी हेमराइड्स के भी मरीज होते हैं, आप देखना अक्सर पुराने शराबी आपको हेमराइड्स यानी कि पाइल्स और बवासीर के मरीज मिलेंगे, मिलते हैं ना पुराने शराबी लोग, तो जब उनको गर्मी में शराब पीने से दस्त हो जाते हैं ना, तो ऐसे वक्त उनके पाइल्स भी एग्रेवेट हो जाते हैं, वो भी प्रोट्रूड होते हैं बाहर, अगर हुए तो बड़े बड़े हेमोराइडल ट्यूमर्स ऐसे प्रोट्रूड होते हैं दस्त के साथ, अच्छे बड़े बड़े मस्से निकलते हैं डॉक्टर साहब, ये शराबियों के बड़े कॉमन प्रेजेंटेशन होते हैं। ठीक, अच्छा मैं क्यों बोलता हूं कि एक एक शब्द को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, देखो एक लाइन में डॉक्टर नेश ने बोला है, एक लाइन बोली है बस, एक लाइन बोली है बस लेकेसिस के बारे में गर्म मौसम से संबंधित, कि गर्म मौसम में व्यक्ति को लैंग्वर हो जाए, वियरीनेस हो जाए एंड प्रोस्ट्रेशन हो जाए, तीनों में से कोई भी चीज, कोई भी प्रेजेंटेशन गर्म मौसम में आदमी लेके आ जाए। अब ये देखो ये सब मिलते जुलते हैं लेकिन है सब अलग अलग, ठीक है। लैंग्वर पहली चीज, उन्होंने क्या चीज इस्तेमाल की, लैंग्वर। लैंग्वर कैसी कमजोरी होती है, पेशेंट क्या बोलेगा, खुद आया है पेशेंट आपके पास और बोलेगा बहुत सुस्ती लग रही है, बस ऐसा लगता है पड़े रहो, ताकत ताकत सी महसूस नहीं हो रही है, एक जो बॉडी में ताकत एनर्जी फील होती है ना डॉक्टर साहब, नहीं फील हो रही, बस ऐसा लगता है एक जगह बैठे रहो या पड़े रहो, काम में भी जाने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा अगर कोई हॉट वेदर में प्रेजेंटेशन दे वो कहलाता है लैंगर। दूसरी चीज डॉक्टर नेश ने क्या बोली, वियरीनेस। वियरीनेस अब ये वियरीनेस क्या हुई है, वियरीनेस का प्रेजेंटेशन कैसा होता है, वियरीनेस का मतलब होता है पेशेंट क्या बोलेगा, लैंग्वर का पेशेंट क्या बोला था अभी मैंने बताया, वियरीनेस का पेशेंट क्या बोलेगा, क्या बोलता है वियरीनेस का पेशेंट, डॉक्टर साहब ऐसा जब बहुत काम कर लो, बहुत मेहनत का काम कर लो, उसके बाद जैसी कमजोरी या थकान लगती ना वैसी लग रही है, वो थकान जैसे कि बहुत काम कर लिया हो, बहुत हार्ड मेंटल या फिजिकल वर्क करने के बाद, बहुत हार्ड मानसिक या शारीरिक श्रम करने के बाद जैसी थकान फील होती है, ऐसी थकान फील होने को वियरीनेस कहा जाता है। लैंग्वर क्या है, इनएक्टिविटी ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी फील नहीं हो रही है इसलिए सुस्ती आ रही है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा, ऐसा लगता पड़े रहो, सी लैंग्वर अलग एंड वियरीनेस अलग। और प्रोस्ट्रेशन मतलब, प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है दंडवात, लेट जाना, ये पड़े हुए हैं बिल्कुल एकदम, इतनी कमजोरी है, फेंट प्रोस्ट्रेटेड, ऐसे भी आपको उठा के लेके आ रहा है लोग बाग, उठा के लेके आ रहा है प्रोस्ट्रेशन, इतनी जबरदस्त प्रोफाउंड वीकनेस कि प्रोस्ट्रेट हो गए, अब खड़े होकर खुद चल के आ भी नहीं सकते, ऐसी कमजोरी कहलाती है प्रोस्ट्रेशन, कि लेट गया आदमी, प्रोस्ट्रेट हो गया, समझ गए। एक बड़ा दिलचस्प, उसको समझने में बहुत टाइम लगा था, एक बड़ा दिलचस्प रूब्रिक दिया हुआ है लेगेसी से संबंधित अपनी रिपर्टरी में, और वो भी किस में दिया हुआ है, माइंड में, क्या दिया हुआ है, डिल्यूजन, इट इज ऑलवेज आफ्टरनून, हर वक्त दोपहर ही है, ऐसा भ्रम कि उसको ऐसा लगे कि हर वक्त दोपहर ही है, डिल्यूजन इट इज ऑलवेज आफ्टरनून, मतलब क्या हुआ भैया,
समझेंगे कैसे इसको, कैसे खोलेंगे इसको, तो कहने का मतलब आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन पेशेंट क्या बोलता है, अरे डॉक्टर साहब 9 बजे से ही ऐसी धूप पड़ती, मैं तो नहीं निकलता, 9 बजे से 8 बजे से ऐसी धूप पड़ती जैसे कि भरी दोपहरी में पड़ रही हो, उसको पूरा धूप का टाइम ऐसी लगता है, इसलिए वो निकलता ही नहीं घर से बाहर, या बचता है पूरे जुगत बढ़ा लेगा कि नहीं निकलना पड़े घर से बाहर धूप के टाइम में, क्योंकि उसको इतनी तेज धूप लगती है कि सुबह 8 बजे की भी धूप, 9 बजे की भी धूप, 10 बजे की भी धूप, उसको ऐसा लगता है कि भरी दोपहर में जैसी तेज। अभी देखिए डॉक्टर साहब 8:30 बजा है और कैसे बिल्कुल दोपहर की जैसे आग बरस रही है। बड़ा बेहतरीन इस चीज, इस ये रूब्रिक मैंने सुना था, इसको पहले तो मैंने इमेजिन किया था कि यार ये यही मतलब होगा इसका, फिर प्रयोग करके देखा और मेरे को कहा डॉक्टर क्लार्क ने जब कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे होते हैं लेक्सिस की, तो वो कहते हैं अपना एक केस सुनाते हुए कि एक मेरे पास एक पेशेंट आया, लंबा चौड़ा, ठीक है ना, 47 साल का, थोड़ा सा नर्वस टाइप का इंसान था, जो कि किसी जगह से आया था, किसी खास जगह रहता था केप नाम की, वहां से वो आ गया था कंपेरेटिवली कोल्ड प्लेस में, क्योंकि वो समर सीजन नहीं झेल पाता था, इसलिए समर को बिताने के लिए वो इधर आ गया था। और बोले उसके होटल में मुझे बुलाया गया देखने के लिए, वो खुद इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको डर था कि कहीं धूप ना लग जाए मेरे को, वो धूप में से नहीं निकलना चाह रहा था, इसलिए डॉक्टर क्लार्क को उससे मिलने होटल में जाना पड़ा। डॉक्टर क्लार्क क्या कहते हैं, सेंट फॉर मी टू सी हिम एट हिज होटल बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेंचर, मतलब वो धूप में निकलने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। अरे भैया मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन से बोलते हैं धूप लग जाएगी, देख रहे हो कितनी तेज धूप पड़ रही है, हैं? अभी सुबह 8 बजे बिल्कुल एकदम 2 बजे दोपहर जैसी धूप पड़ रही है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो हर जोखिम उठाने से वो बचता है कि कहीं वो उसको धूप ना लग जाए, बिल्कुल ऐसा प्रेजेंटेशन होता है और वो इस तरीके से बोलता है, इसलिए डिल्यूजन इट इज ऑलवेज आफ्टरनून। तो डॉक्टर क्लार्क क्या बताते हैं एक बात और, कि ऐसे लोग जो धूप और समर वेदर, जो समर वेदर में जिनको एग्रावेशन होता है और जो लोग धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, हु कैनॉट स्टैंड, तो सोचो डॉक्टर क्लार्क बड़े फेमस डॉक्टर थे भाई, उनको किसी तरीके से बुला लिया कि भी मेरे होटल देखने चले आओ, वो क्योंकि वो धूप में बाहर निकलने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, उसको लगता था कहीं मेरे को धूप लग गई तो। बच्चों को धूप का एहसास नहीं होता, खेलते रहते हैं, लेकिन इसके बच्चों को जानो भैया बाहर खेलो, अरे नहीं भैया धूप लग जाएगी तो, देख रहे हो कितनी तेज धूप पड़ रही, हर जुगत बिड़ा लेगा कि धूप में ना जाना पड़े। ठीक, तो डॉक्टर क्लार्क कहते हैं कि लेकिसिस के सिम्टम स्प्रिंग जो भी चल रहा है, सर्दी और गर्मी के बीच का जब फूल खिलते हैं, पोलेंस आते हैं, स्प्रिंग ऐसे टाइम में जो हे फीवर एलर्जी होती है, लेकिसिस इज वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट। डॉक्टर नैश ने इसकी बड़ी तारीफ करी है और बोलते हैं डॉक्टर क्लार्क कि स्प्रिंग में और गर्मी में इसकी प्रॉब्लम्स एग्रावेट होती हैं, ये दोनों ही एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में एग्रावेट होता है, इसको धूप बिल्कुल सहन नहीं होती है, ठीक है ना, और स्पेशली इन वार्म स्पेल, कोई वार्म स्पेल आया। और आखिरी बात जो डॉक्टर हेरिंग ने बताई लेकिसिस से संबंधित, जो और किसी ने नहीं बताई, डॉक्टर हेरिंग ने बोला कि हर साल वो आपको बताएगा कि गर्मी में दांत दर्द करता है, तो हॉट वेदर में अगर दांत दुखे देन लेकिसिस, या हॉट वेदर में बिगिनिंग समर की शुरुआत में, या स्प्रिंग सीजन में, या समर की शुरुआत में, गर्मी की शुरुआत में अगर किसी को इंटरमिटेंट फीवर हो जाए और कोई और जायज कारण नहीं नजर आ रहा है, देन डॉक्टर हेरिंग कहते हैं लेकिसिस इस तरह में, तो दांत दर्द भी। ठीक,